विद्यार्थियों सत श्री अकाल। साढ़े को सिक्स्थ क्लास का असं नवा टॉपिक असं शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस यानी कि भिन्ना। सब तो पहला भिन्न हुंदी की है, वट इज़ अ फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब हुंदा है एक पूरे का हिस्सा, कोई हिस्सा, ठीक है, भाग। क्लीयर। जिस तरह एक गिलास है, उहदे विच पानी है, ठीक है, एक गिलास है साढ़े को, उहदे विच पानी है। हुणे पर पानी का पूरा नहीं भरिया हैगा, अद्धा गिलास पानी का भरिया है इत्थों तक, ठीक है। इहदा मतलब किन्ना हिस्सा पानी का, किन्ना हिस्सा गिला, किन्ने हिस्से गिलास विच पानी है, या गिलास का किन्नवा भाग पानी नाल भरिया है। अद्धा, अद्धे नूं असीं किन्ना लिख सकते हैं, एक बटा दो। तो यह की एक भिन्न है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, ठीक है। जे असी गिलास के दो हिस्से करते, दो हिस्से करते ना, एक ते आ दूसरा, तो दोवां विचों एक हिस्से विच पानी है, दोवां विचों किन्ने हिस्से विच पानी, एक। इहदा मतलब अस कह सकते हैं कि गिलास का एक बटा दो हिस्सा पानी नाल भरिया है, ठीक है। ये की है साढ़े को भिन्न है। हुण ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਭਿੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਦਾ ਭਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਦਾ ਭਾਗ ਕੀ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵਨ होल वन, ठीक है। इस तरह पहले क्वेश्चन में तुहाडे अभ्यास जिहड़ी 7.1 है, उहदे विच कुछ डायग्राम्स गिवन ने, बनाईआं ने, ते उहनां दे कुछ भाग, उहनां दे भाग कीते डायग्रामां दे, ते कुछ भागां नूं उहने शेड कीता, ठीक है। जिस तरह पहला आ एक त्रिभुज बनिआ आ, ते इहदे उहने चार भाग कीते, चार हिस्से, तो ये दो हिस्से उन्हें शेड करते, एक ऐ वाला हिस्सा शेड करता, एक ऐ वाला करता, तो कहिंदा दसो की भिन्न बनेगी ये, ठीक है। तो भिन्न हुण किन्ने ने, कुल चार, चारां विचों किन्ने शेड ने, दो। इहदा मतलब भिन्न की बन गई साढ़े को, दो बटा चार, ठीक है। इस तरह ही जिस तरह नैक्सट है, उहदे विच ऐ बॉक्स बनिया है, तो बॉक्स ते उन्हें नौ भाग कीते ने, ठीक है। तो अब विच वाला छड के बाकी सारे उन्हें शेड करते, तो इहदा मतलब ये जिहड़ी भिन्न है, ये फिर किन्नी भिन्न बनेगी साढ़े को, नौवें विचों किन्ने भाग शेड किए ने, अठ, तो भिन्न बनेगी साढ़े को अठ बटा नौ, नौवें चो अठ भाग, ठीक है। जिन्ने कुल भाग किए पूरे दे, उन्हां नूं असीं हर च यानी कि डिनोमीनेटर च लिखना, तो जिन्ने शेड किए ने वह उपर लिखेंगे। क्लीयर। हुण पहले विच इस तरह सारे विच भिन्ना लिखने, दूसरे विच साढ़े को की है, भिन्न गिवन है, तो असी उस डायग्राम विच शेड उन्ना हिस्सा शेड करना जिनी भिन्न है। जिस तरह पहले विच पहला एक चक्कर बनया है, तो चक्कर दे किन्ने हिस्से किते ने, छे हिस्से किते ने चक्कर दे, ठीक है। तो कहिंदा एक बटा छे जे भिन्न है, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਿੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛਾਇਆਂਕਿਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬਟਾ ਛੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਛੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਅਤੇ ਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬਟਾ ਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਟਾ ਛੇ। ਬਟ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਬਟਾ ਚਾਰ, ਤਿੰਨ ਬਟਾ ਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ, ਇਹ ਭਿੰਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਬਟਾ ਚਾਰ। ਕਲੀਅਰ। ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਗਲਤ ਲਿਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੇ।
जिस तरह पहला आ कहिंदा सही है एक त्रिभुज उहदे दो पाठ भाग ते कीते ने ते एक नूं शेड कीता कहिंदा इह भिन्न एक बटा दो है सही है नहीं ये सही नहीं क्यों क्योंकि हमने दसा जिहड़े भाग करने वो बराबर होने चाहिए इत्थे देखो बराबर नहीं है आ जिहड़ा है ये छोटा है भाग ये की है वड्डा इस करके भिन्न एक बटा दो नहीं है क्लीयर एक बटा दो का मतलब जो दो भाग बराबर करिए किसी के उच्चों एक शेड करिए क्लीयर ये सही नहीं बाकी भी दोवें सही नहीं होणगे ठीक है हुण चौथा अठ घंटे एक दिन की कि भिन्न है अठ घंटे जिहड़े एक दिन की कि भिन्न है हुण तुहानूं पता एक दिन विच कुल किन्ने घंटे हुंदे ने एक दिन विच अठ चौबी घंटे हुंदे ने किन्ने घंटे हुंदे ने चौबी घंटे ठीक है देर आर 24 आवर्स इन इन अ डे ठीक है हुण इहदा अठ घंटे चौबीआं विचों अठ घंटे तो भिन्न की बनेगी मतलब च अठ बटा चौबी ठीक है कुल जिहड़े आ उह हेठां आ गए तो जिन्ने जिन्ने हिस्सों की भिन्न पता करनी उपर ठीक है अठ बटा चौबी हुण इहदी देखो असी कटिंग कर सके कटिंग किस तरह करी दिंदी असी उह पाड़ा देखना है जिहदे जिहदे ते जिहदे च अठ भी आए तो चौबी भी आए तो किहड़ा आ अठ दा पाड़ा क्योंकि अठ एक अठ हुंदा है अठ दूनी सोलह तो अठ तीआ किन्ना हुंदा है चौबी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਠ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਚੌਵੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਉ ਅੱਠ ਇੱਕ ਅੱਠ ਅਤੇ ਅੱਠ ਤੀਏ ਚੌਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਟਾ ਤਿੰਨ ਪਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਲੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਹੋਏਗੀ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਸੱਠ ਮਿੰਟ तो यदि भी जो कटिंग करेंगे आ दो पाड़े दो दूनी चार दो तीए छे यदा मतलब यदि पिन कि बन गई साढ़े को दो बटा तीन पिन क्लीयर ठीक है इस तरह बाकी भी प्रश्न एक प्रश्न है साढ़े को सत्तवा कंचन कपड़िया रंगती है उसने ती कपड़िया रंगना है उसने हुण तक भी कपड़िया रंग दिता है उसने हुण तक कपड़िया की कि पिन रंग दिता है ठीक है कंचन कोल कपड़े है ती कपड़े दे टुकड़े उन्हें उन्हें कपड़े रंगना उन्हें तीह विचों वीआं नूं रंगता है तो किहड़ी कुल कपड़े दे किन्नी भिन्न नूं उन्हें रंगया ठीक है कुल कपड़े है साढ़े सत्तवां प्रश्न है कुल कपड़े किन्ने है जिन्हां नूं रंगना है वह किन्ने ने ती ते रंगे गए कपड़े किन्ने कपड़े नूं उन्हें रंगता तीआं चों भी कपड़िया रंगता तो भिन्न की बनेगी ये फिर भी बटा ती ठीक है कुल हर विच आना है तो जिन्ने जिन्ने की भिन्न पता करनी वो अंश विच आना है तो यदि देखो जीरो ना जीरो कट्टिया गया यानी कि भिन्न आ गई दो बटा तीन मतलब कुल काम के जे उन्हें तीन हिस्से कर ले विचों दो हिस्से उन्हें कंप्लीट कर चुकी है ठीक है बाकी भी इस तरह प्रश्न करने सारे धन्यवाद सारे का